शादी के वक्त हमेशा साथ देने का वादा करने वाले पति ने बीमारी की हालत में पत्नी को मायके छोड़ दिया। बहन शादी के कुछ समय से ही पेट दर्द से परेशान थी, लेकिन मायके वालों को नहीं बताया। जब ससुराल वाले उसे बीमारी की हालत में मायके छोड़ गए, तब पता चला कि उसका पेट बढ़ रहा है और दर्द के कारण वह कुछ खा पी नहीं पा रही है। बहन की ये हालत देख भाई उसे लेकर भोपाल आया। यहाँ एक निजी अस्पताल में दिखाया। डॉक्टरों ने पेट में ट्यूमर होने की बात कहते हुए लंबा चौड़ा खर्च बताया। बहन को लेकर भाई एम्स पहुंचा। यहाँ उसे 20 दिन भर्ती रखने के बाद डॉक्टरों ने चेहरे पर इन्फेक्शन फैलने की बात कहकर डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद वह बहन को लेकर हमीदिया अस्पताल पहुंचा। यहाँ डॉक्टरों ने 4 घंटे की सर्जरी के बाद उसकी दाएं किडनी से डेवलप हुए 5 किलो वजनी कैंसर के ट्यूमर को पेट से बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक छतरपुर जिले के बिजावर कस्बे की रहने वाली गौसिया की 4 साल पहले टीकमगढ़ में शादी हुई थी। शादी के करीब 2 साल बाद जब वह बीमार रहने लगी तो पति ने साथ छोड़ दिया। ऐसे में उसके भाई ख्वाज खान ने अपनी बहन का साथ दिया। अपनी बहन को बचाने के लिए उसने लोगों से कर्ज लिया और उसे सालों के दर्द से मुक्ति दिलाई। गौसिया का वजन भी गिरकर 32 किलो ही रह गया। ऑपरेशन करने वाले हमीदिया अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित जैन ने बताया, महिला गुरुवार को जिस समय एडमिट हुई थी उस समय उसकी हालत नाजुक थी। दाएं किडनी से बना ट्यूमर लगातार बढ़कर पेट के पूरे हिस्से में फैल चुका था। अगर 2 महीने और इलाज नहीं होता तो रक्त वाहिकाओं को ब्लॉक कर यह हार्ट तक पहुंच जाता। हमीदिया अस्पताल के निश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर तृप्ति जैन, डॉक्टर देवेंद्र चौधरी, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित जैन के साथ डॉक्टर संतोष और डॉक्टर विनायक ने टीम के साथ ऑपरेशन किया।